हेलो नमस्ते दोस्तों, रीना शर्मा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे अंडे का पुलाव, जो किसी भी बिरयानी से कम नहीं। अगर आपके पास समय ना हो और आपको बिरयानी खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को बनाकर बिरयानी का मजा ले सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए रेसिपीज के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है लगभग 500 ग्राम पके हुए चावल, 5 उबले हुए अंडे, कुछ पुदीना के पत्ते, 2 मीडियम प्याज लंबे कटे हुए, कुछ कटा हुआ हरा धनिया, 1 मीडियम टमाटर लंबा कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच दही, 1 बड़ा चम्मच घिसा हुआ अदरक लहसुन, 1.5 छोटे चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 तेज पत्ता, नमक स्वाद अनुसार, 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 हरी मिर्च कटी हुई, कुछ खड़े मसाले जैसे 3 हरी इलायची, 3 लवंग, कुछ दालचीनी के टुकड़े और 2 छोटे चम्मच जीरा और काली मिर्च का पाउडर। सबसे पहले एक कढ़ाई में मीडियम आंच पर 4 से 5 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। अब तेल के गर्म होने पर इसमें डालेंगे खड़े मसाले, तेज पत्ता, प्याज, अदरक लहसुन, हरी मिर्च, जीरा काली मिर्च का पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, टमाटर मिक्स कर लेंगे। अब दही डालकर मसालों को 1.5 से 2 मिनट तक मीडियम आंच पर अच्छे से भून लेंगे। अब डालेंगे अंडे, पुदीना के पत्ते मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे चावल, हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद गैस को बंद करके राइस को एक प्लेट में निकाल लेंगे। स्वादिष्ट अंडा पुलाव बनकर तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।